80 मजदूर, 1500 मजदूर बैल की ब्राह्मण धर्मशाला में भोजन ग्रहण करने के लिए आते थे और वो एक बात कहते थे कि हम जैसे मजदूरों के पेट तक खाना पहुंचाने वाला ये समाज सेवी भाई राजवीर खटिया, जो आज हमारे बेटे, जो आज हमारे बेटों को हमको खाना दे रहा है, हम दुआ करते हैं कि एक दिन इस लोहारू हल्के का ऐसा दानवीर बने और लोहारू हल्के की बागडोर संभाले। आज वो ही दिन आ गया, उन मजदूरों की दुआ है कि आज लोहारू हल्के से भाई राजवीर खटिया भारी बहुमत से चंडीगढ़ की ओर निकल पड़े हैं और आपका एक एक वोट भाई राजवीर खटिया को चंडीगढ़ में मंत्री पद की शपथ दिलाएगा और चंडीगढ़ में लोग एडिया उठा के देखेंगे कि यह वो दानवीर है जिसने हरियाणा के वित्त मंत्री को धूल चटा दी। ये वो दानवीर है जिसने हरियाणा के कृषि मंत्री को धूल चटा दी। आप सभी से हाथ जोड़ के झोली फैला के यही अपील करता हूं कि अपने बेटे, अपने भाई राजवीर खटिया को ज्यादा से ज्यादा वोट दे के चंडीगढ़ पहुंचाएं ताकि वो गरीब किसान मजदूर की आवाज को चंडीगढ़ की विधानसभा में जोर शोर से उठाए और लोहारू हल्का दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरी बहन रितु फटिया को आमंत्रित करता हूँ कि गांव वालों को संबोधित करें। गांव के बीच के अंदर कच्चा थोड़ नहीं बना सकता।
कानूनन अपराध है, लेकिन इस आदमी ने पता नहीं किस तरीके से वहां पर कच्चा छोड़ बनाया और वहां पर न तो वायरिंग किया न कोई दीवार बनाया। उसमें झांसी जाति के 3 बच्चे डूब कर मर गए। दोस्तों कौन है उन बच्चों का चेहरा, कौन है उन बच्चों का गुनाहगार, कौन है उन बच्चों का दोषी? आप लोगों ने फैसला करना है और उस आदमी की जान जब्त करने का काम करना आप लोगों ने। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही आप लोगों से कहूंगा, इस आदमी को 1 भी वोट नहीं देना है। इस आदमी की जान जब्त करने का काम करना है। मान व सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथी नौजवान साथी सभी बहने छोटे छोटे बच्चे जितने भी इस कहानी की पावन धरा पे उपस्थित हैं, सभी को नंदन वंदन अभिनंदन। देखिए आगामी 5 अक्टूबर को अपना विधानसभा चुनाव रहेगा। चुनाव में महज 5 से 6 दिन रह गए हैं, तो देखिए 5 से 6 दिन हमें कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि जो वोट है वो 1 ही दिन डलेगा, वो 1 ही मिनट होगी जब वो बटन दबेगा और वो सरकार 5 साल की होगी। तो हमें बड़ा सोच समझ के अपना व्यक्ति चुनना है और ऐसा व्यक्ति चुनना है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले, जो गरीबों के हित में काम करे, जो युवा साथियों को रोजगार दिलाए, जो माता और बहनों के सम्मान में कमी ना छोड़े और जो किसानों को हमेशा ऊपर रखे, क्योंकि बांध देने वाला वो किसान ही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक व्यक्ति है अपने हल्के से ही राजवीर फटिया जी, उसके सहयोग में हमें इस हाथ का बटन दबाना है आगामी 5 तारीख को। और देखिए विजय की सरकार को बाय बोल के आना है, जो सरकार पिछले 10 वर्षों से शासन में है। हम सबको मिलके एक लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई होगी अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो लड़ाई है देखिए डॉक्टर भीमराव जी के अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए, वो लड़ाई होगी किसानों के सम्मान के लिए, वो लड़ाई इस मंत्री के खिलाफ है जिसने स्टेज पे बहन बेटियों के लिए जो अभद्र टिप्पणी करी, जो 750 अपने किसान शहीद हुए उन पे जो उसने हंसी हंसी, वो तानाशाह सरकार के खिलाफ और उस मंत्री के खिलाफ लड़ाई रहेगी। अपनी लड़ाई है विकास के रास्ते में, जो अपने आगे अड़चन डाल रहे हैं उसके खिलाफ अपनी लड़ाई है। अपना विकास का रास्ता हमें चुनना है और वो रास्ता होगा राजवीर फटिया के साथ ये हाथ पकड़ के उनका साथ निभा लेना और इसी हाथ के बटन से उस सरकार को जवाब दे देना। देखिए आगामी 5 तारीख को पिछले 10 वर्षों से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने हमारे कुछ ऐसा कोई काम करा है जिससे अपने लुहारू हल्के का विकास हो पाया है। देखिए मैं बात करूंगी छोटे बच्चों से, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव रखते हैं और नींव ही अगर कमजोर होगी तो वो घर ढह जाएगा। तो मैं बात करूंगी छोटे छोटे बच्चों से, ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने हैं, 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी, ध्यान से सुनिएगा आंकड़े, 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार का शासन था तो देखिए 2623 नए सरकारी स्कूल खोले गए थे, और अब पिछले 10 वर्षों में जब बीजेपी सरकार का शासन था 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताला चढ़ने का काम किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। जो शिक्षा का अवसर था छोटे छोटे बच्चों के लिए वो शिक्षा का अवसर बंद किया गया। युवाओं को रोजगार तो जब वो दिलाएंगे जब वो छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कोई काम करे। नया स्कूल खोलने की बजाय उन्होंने तो पुराने स्कूलों पे ही ताला चढ़ दिया। और बच्ची कुची कसर तो इस बात से पूरी होती है, 50% से भी ज्यादा आज अपने स्कूलों में जो अध्यापिकाओं के पद खाली है वो पद छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने धरना दिया था बीजेपी सरकार के शासन में कि हमारे स्कूल में हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और देखिए जब कांग्रेस सरकार थी कितने नए स्कूल खुलवाए गए। फिर मैं बात करूं युवा साथियों की, तो देखिए बेरोजगारी की जो सीमा थी वो चरम पे पहुंच गई। जो आज अपने युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं वो और कोई नहीं बीजेपी सरकार के शासन में घूम रहे हैं। और देखिए रही गई कसर अग्निवीर योजना ने पूरी कर दी। तो आने वाले समय में
बैठी तो देखिए उस बेटी के आंसू वो रोती रही, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेटी क्या अपनी बेटी नहीं थी? वो बेटी अपने पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। उसको बाल पकड़ के उसके घसीटे गए, वो रोती रही लाठीचार्ज होता हुआ। देखिए फिर मैं बात करूँ किसानों की, किसानों में क्या हुआ? जब कांग्रेस सरकार का शासन था तो करोड़ों का कर्ज माफ किया गया था सरकार के शासन में, और जब बीजेपी सरकार का 10 वर्षों का शासन आया एक रुपए का भी कर्ज माफ नहीं किया गया। बल्कि देखिए 750 किसान शहीद हुए। वो किसान वही किसान है जो अपने हलके का मंत्री उन किसानों पे हंस रहा था, उसको अनाज देने वाला उस मंत्री को, वो अपने हलके का ही किसान है, वो अपने भारत वर्ष का ही किसान है, वो अंधा का, वो अंधेर का, अपने हलके का भारत वर्ष का है, वो किसान की भी उसने इज्जत नहीं करी। और देखिए हर वर्ग की मैंने बात करी, बच्चों की, महिलाओं के सम्मान की, किसानों की, युवाओं की। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है इज्जत और सम्मान की। जो मंत्री आज खुलेआम सरेआम पूरे लोकसभा हलके को धमकी दे रहे हैं स्टेज के माध्यम से, तो देखिए ना तो यहाँ पे कोई मीडिया कर्मी उनसे सवाल करने वाला है कि आपने ऐसी भाषा का क्यों इस्तेमाल किया। खुलेआम उस मंत्री ने ये धमकी दी है कि जो राजवीर फटिया जी का सहयोग करेंगे आने वाली 8 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं वो एक भी नहीं दिखेगा। ये उनकी भाषा है, ये उनके शब्द है। काम और योजनाएं तो जब वो करेंगे, जब उनके शब्द सही होंगे, तो अपना एक एक मत का हमें सही व्यक्ति को देना है। क्योंकि देखिए वोट एक बार डलेगा, सरकार 5 साल की होगी। मैं बार बार आपको ये बातें समझा रही हूँ क्योंकि हमें किसी गलत व्यक्ति को अपने हलके में, अपने घर में, अपने परिवार में नहीं लेके आना, जो बहन बेटी की इज्जत ना करे, जो किसानों की इज्जत ना करे, जो युवाओं को रोजगार ना दिलाए। मैं बात करूंगी अब कांग्रेस सरकार की, सरकार अगर आती है तो क्या क्या योजनाएं रहेंगी। जो बुढ़ापा पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है और जो विधवा पेंशन है, जो आज 3,000 रुपए है वो पेंशन 6,000 रुपए कर दी जाएगी। हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का पूरा मकान तैयार करवा के दिया जाएगा। हर परिवार चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे है, हर परिवार की 300 यूनिट की बिजली बिल्कुल माफ, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जो योजना होती थी पदक लाओ पद पाओ, वो योजना वापिस से लागू की जाएगी और खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। तो 2 लाख पद खाली है उन पदों की जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी जैसे ही कांग्रेस सरकार शासन में आएगी। मैं बात करूं देखिए महिलाओं की, तो जो रसोई सिलेंडर आज 1100 का है बीजेपी सरकार के शासन में, वो आने वाले समय में राजवीर फटिया के आते ही 500 रुपए का कर दिया जाएगा। किसानों की तो MSP की कानूनी गारंटी उनको दी जाएगी और तत्काल में मुआवजा देने का काम किया जाएगा। देखिए ये जो मैनिफेस्टो है हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, चाहे वो बात हो बुजुर्गों की, चाहे बात हो गरीबों की, चाहे बात हो खिलाड़ियों की, चाहे बात हो युवाओं की। सारी योजनाएं हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाई गई है। बात करूं इलाज की तो 25 लाख तक का इलाज आपको मुफ्त में सरकारी तौर पे दिया जाएगा। अगर इस कांग्रेस सरकार और राजवीर फटिया जी आते हैं, जो कि निश्चित रूप से आएंगे, तो काम होगा स्वास्थ्य पे, काम होगा शिक्षा पे, काम होगा युवाओं के रोजगार पे, और मैं कुल मिला के कहूँ तो जो अपने लोहारू हल्के का विकास होगा वो आने वाले समय में पूरे प्रदेश हरियाणा में नंबर 1 पे लहराएगा। सहयोग करना है कि 5 से 6 दिनों में कड़ी मेहनत करनी है, और जो विपक्ष 5 तारीख को और ये हाथ का बटन दबा के आना है। तो देखिए आज मैं यहाँ पे ऊपर खड़ी हूँ तो अपनी बेटी बहन के निशान पे आप सभी मोहर लगा के आएंगे। ये आपके तो सबसे पहले हो गए ये भाई भी हमारे मैं भी राजी कर दिया बैठी है। तो देखिए जो आज प्यार दिया है, जो आज
और देखिए तीनों